हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो कुछ ही हफ्तों पहले मैंने किचन टूर किया था जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो थैंक यू सो मच आप सबके रिस्पांस के लिए। तो आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं लेके आई हूँ ये फ्रिज टूर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि कनक हमें आपका फ्रिज भी दिखाएं अंदर से। तो चलिए आज मैं आपको मेरा फ्रिज टूर कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और अगर आपने किचन टूर नहीं देखा है तो आप मिस कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखिए। आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे फ्रिज की तरफ। तो ये रहा मेरा बड़ा सा बॉश का फ्रिज, क्योंकि मेरा पहला वाला जो फ्रिज था ना वो थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे कम पड़ता था, क्योंकि शूटिंग में ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें कट करके रखनी पड़ती है, तो काफ़ी स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी। तो इसकी वजह से मैंने बड़ा सा फ्रिज लिया है बॉश का, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 550 लीटर्स। एंड इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ऊपर से फ्रिज है और नीचे फ्रीजर है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले पैनल दिया है जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्रिज का और फ्रीजर का। तो चलिए फ्रिज खोल के देखते हैं। तो ये रहा मेरा स्पेशियस फ्रिज। तो दरवाजे से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि पाव भाजी मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया, जो भी डब्बे पे हम मसाले लाते हैं ना मार्केट से, चाट मसाला हो गया, जो भी एक्स्ट्रा है वो बहुत थोड़े से लगते हैं, वो सारे मसाले मैंने यहाँ पे रखे। और उसके पास में मैंने रखा है थोड़े से सूप्स के पैकेट्स, तो कभी कभी बच्चों का मन होता है सूप के, कॉफ़ी के पैकेट्स कुछ है। एंड यहाँ पे मैंने रखा है सारे एसेंस जो भी मुझे बेकिंग में काम आता है, तो एसेंस बहुत रेयरली काम आते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे ऊपर फ्रिज के ऊपर रख दिए। एंड यहाँ पे मैंने रखे अंडे, तो इसमें से ना कुछ अंडे बॉयल्ड हैं, तो कैसे पता चलेगा कुछ अंडे बॉयल्ड हैं, तो मैंने एक दो यहाँ पे बॉयल्ड अंडे भी रखे हैं, जिसको मैंने ना थोड़ा सा ऐसे क्रैक करके रख दिया है इन केस किसी को बॉयल्ड अंडा खाना है तो वो भी है। एंड यहाँ पे दूध रखा है मैंने इस जार में। नॉर्मली जब भी दूध मैं लेती हूँ तो दूध को बॉयल करके ठंडा करके मैं इस कांच के जार में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। और उसके बाजू में मैंने रखे थोड़े से और मिक्सड हर्ब स्पाइसेस, जैसे रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा होता है, कभी कभी कम लगता है, बाहर ख़राब हो जाता है इस ह्यूमिड टेम्परेचर में, तो वो सारे हर्ब्स मैंने इस तरफ रख दिए फ्रिज के। और चलिए चलते नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने रखा है ये विनीगर, सोया सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज है, देन टोमेटो केचप है, एंड यहाँ पे एक शरबत मैंने रखा है, और ये मेरी बेटी के फेवरेट ऑलिव्स, एप्पल साइडर विनेगर, फिर यहाँ पे मैंने हनी रखा है, और यहाँ पे थोड़े से ये पैक्स हैं मिक्स फ्रूट जूसेस के, बच्चों को कभी मन होता है तो लेके पी सकते हैं। एंड फिर के इसके इस साइड में मैंने रखा है थोड़ा सा बॉर्नविटा और एक दो टैंक के पैकेट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला सेक्शन दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक स्टूल लिया है ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने रखा है ये चिया सीड्स और ये कुछ कोकोनट ऑयल है, दैट इज़ एक्सप्रेस कोकोनट ऑयल, कुछ कोको पाउडर है। यहाँ पे मैंने होममेड ग्रेनोला बना के रखा है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार मेरी स्टोरीज में देखा होगा, मुझे इस बहुत ज़्यादा पसंद है ये। एंड पीछे और सारे सीड्स पड़े हैं। तो ये सेक्शन खास करके मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वांटिटी में बना के रख देती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ये पूरा सारी चीज़ें जो कि कभी कभी काम आते हैं, और ये बाहर रखो ना तो ख़राब हो जाते हैं, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। एंड पीछे मैंने थोड़ा सा रखा है प्रोटीन पाउडर, थोड़ा सा मैंने जागरी शुगर भी रखा है। तो वो सारी चीज़ें जो मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करती हूँ वो सारा मैंने इस आधे सेक्शन में रख दिया है। और जब हम इस पार्ट में आएंगे तो यहाँ में उन्होंने फ्रिज के साथ है ये रैक दिया है, तो अगर आपके ड्रिंक्स वगैरह या कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी बॉटल्स जो कि दरवाजे में नहीं आती, मतलब अगर जगह कम पड़ जाए तो आप फ्रिज के अंदर भी इस तरीके से रख सकते हैं। एंड यहाँ पर फिर मैंने एक रखा है एक बास्केट, ये बास्केट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या रखा है। तो इसमें मैंने सारा रखा है कि बेकिंग का सामान, जैसे कि चॉकलेट बॉल्स हो गए, चॉकलेट स्प्रिंकल्स है, कुछ स्ट्रॉबेरीज है, कुछ चोको चिप्स है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, कुछ टूटी फ्रूटी है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें जो कि बेकिंग रिलेटेड हैं, जो कभी कभी केक बनाने में काम आते हैं, वो सारा चीज़ें मैंने एक बास्केट में रख दिया है। क्योंकि नॉर्मली पहले क्या होता था, मैं ख़रीद के रखती थी बाहर, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, क्योंकि बहुत कभी कभी काम में आती है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने एक छोटे से बास्केट में डाल के ऊपर एक कोने में रख दी है। तो इसके जब इस सेक्शन में आएंगे ना, तो यहाँ पे एक उन्होंने ऐसे स्पेस दिए जहाँ पे आप कुछ भी यूटिलिटी की चीज़ रख सकते हैं। तो इसमें मैंने रखा है कॉस्मेटिक्स, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं यूएस गई थी लास्ट ईयर, तो बहुत सारी सेल लगी थी, तो ये सारे कॉस्मेटिक्स ना मैं बहुत ज़्यादा लेके रख देती हूँ, तो ये फ्रिज में काफ़ी समय तक के अच्छे रहते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स मैंने इसमें रख दिया है। वैसे आप चाहें तो इसमें और कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं, पर मैंने इसमें कॉस्मेटिक्स रखा है। तो यहाँ पर मैंने रखा है सूजी, बेसन, मैदा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, सूजी, बेसन और मैदा, आई टेंड टू कीप इट इन द फ्रिज, क्योंकि ना वो ज़्यादा समय तक चलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा खरीद लेती हूँ शूट की वजह से। तो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं मैदा में, सूजी में और बेसन में भी, एंड कभी कभी थोड़ा बेसन लगता है, बाकी का पैकेट मेरा पूरा वेस्ट हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी स्पेस है मेरे पास फ्रिज में, तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ें ना मैं डब्बे में रखूँ। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इस डब्बे में डाल के रख दिए। और उसके जस्ट बाजू में मैंने रखा एक और डब्बा ग्रेनोला का, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर एक छोटा सा डब्बा है, और ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख देती हूँ। और पीछे मैंने रखा ये अमूल घी का डब्बा,
और इसके जस्ट इस वाले साइड में मैंने रखे सारे मेयोनीज, तो सारे फ्लेवर्ड मेयोनीज जैसे प्लेन, तंदूरी, जो भी मेयोनीज हमारे घर पे लगता है या शूट पे लगता है या जो भी बच्चे खाते हैं, तो वो सारे मेयोनीज के डब्बे मैंने यहाँ पे एक लाइन में रख दिए। और यहाँ पे पड़ा ये चीज़ स्प्रेड का डब्बा, एंड साइड में मैंने ना फ्रूट्स रख दिए। तो नॉर्मली मैं वैसे तो सारे फ्रूट्स बाहर रखती हूँ, जैसे बनाना, एप्पल हो गया, लेकिन अगर जब मैं फ्रूट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ जाती हूँ, जैसे रिसेंटली मैं मार्केट गई थी तो मुझे बहुत सस्ते मिले फ्रूट्स, तो मैंने ज़्यादा ले लिए फ्रूट्स जैसे कस्टर्ड, एप्पल वगैरह। और इसके इस सेक्शन में मैंने रखा है कॉफ़ी, क्योंकि आई एम अ ह्यूज कॉफ़ी ड्रिंकर, तो यहाँ पर मैंने सारे अलग अलग जगह की कॉफ़ी रखी है। तो पीछे आप देख सकते हैं कि वो एक कॉफ़ी है, देन एक दूसरी फ्लेवर्ड कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी एक है जो मैं यूएस से लेके आई थी, देन यहाँ पे कोको पाउडर का डब्बा है, एंड मेरी करेंट फेवरेट है ये वाली कॉफ़ी, तो ये मैंने सबसे आगे रखी है। तो ये पूरा सेक्शन है कॉफ़ीज़ और कोको पाउडर के लिए। तो अब आते हैं इस वाले सेक्शन में जो सबसे मेन काउंटर है, इस मेन सेक्शन है जो कि हम सबको इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रखा है खाना, मतलब जो खाना बच जाता है या फिर जो कुछ कटिंग मैं करके रखती हूँ शूट के लिए, वो मैंने इस सेक्शन में रखा है ताकि इजीली निकल पाए। तो यहाँ पे जैसे मैंने रखे हैं थोड़े से लेफ्ट ओवर राइस रखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सैलेड काट के रखा है, पीछे मैंने थोड़ा सा दूध रखा है जो एक्स्ट्रा दूध है इसके अलावा, वो दूध मैंने पीछे रखा है। और यहाँ पे मैंने रखा है राजमा, इसमें थोड़ी सी दाल कल की बच गई थी तो दाल मैंने इसमें रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी फ्रेश फूड है ना, जैसे कि कुछ दाल है, चावल है जो कि हम खाने में एकदम तुरंत यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ वेजिटेबल हो गया, सैलड हो गया, वो मैं कोशिश करती हूँ कि कांच के बर्नियों में या फिर ऐसे कांच के कंटेनर्स में रखूँ। लेकिन जितने प्लास्टिक में नॉर्मली आते हैं रेडीमेड, वो तो हम हेल्प नहीं कर सकते, वो सारे वैसे ही पड़े हैं। लेकिन जितने भी फ्रेश फूड है मैं कोशिश करके सारे कांच के जार्स में रखती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा अनार काट के रख दिया है, एंड मैं ज़्यादा दिन तक के काट के नहीं रखती हूँ, जैसे कि मैंने सुबह काटा, दोपहर को कंज्यूम करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं कांच के बर्नियों में डाल के रखती हूँ। कुछ कॉर्न्स है यहाँ पे, कल मेरे पास राजमा रह गया था, मेरा कल शूट था तो राजमा बच गया था, तो वो राजमा भी मैंने इसमें स्टोर करके रख दिया है, मे बी कल मैं थोड़ा इसका केसिडियास बना लूँगी। एंड पीछे एक पड़ा है कामरस का डब्बा बच्चों के लिए, एंड उसके पीछे ये जार पड़ा है शेजवान चटनी का, जो कि मेरा वीडियो आने वाला है, अपलोड होने वाला है, जो कि हमारा शूट हो चुका है, तो परसों मैंने बनाई थी शेजवान चटनी, तो वो शेजवान चटनी मैंने स्टोर करके रख दी है। यहाँ पे मैंने रखा है दही जमाकर स्टील के डब्बे में, हम लोग नॉर्मली स्टील के बर्तन में ही दही जमाते हैं, तो इसमें दही है। और इस डब्बे में मैंने रखा है कोकी का आटा, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, तो अगर आपने मेरा कोकी, सिंधी कोकी वाला वीडियो देखा होगा तो ये तो हमको हमेशा लगता ही है हर दो तीन दिन में, तो एक्स्ट्रा आटा जो बचा था वो मैंने इस डब्बे में डाल के रखा है, ये कोकी का आटा है। और जो प्लेन आटा मेरा बचा था वो मैंने इस वाले डब्बे में डाल के रखा है। तो ये लास्ट वाला मैं आपको सेक्शन दिखाती हूँ जहाँ पे मैं सब एक्स्ट्रा स्टफ़ रखती हूँ। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, जैसे ये वॉलनट्स हो गए, थोड़े पिस्ता हो गए, ये अगेन मैंने सारे कांच के बर्ने में रखने की कोशिश की है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने भी कांच के बर्तन मिलते हैं ना मुझे इधर उधर से, कॉफ़ी के या कुछ चटनीज़ के, तो मैं स्टोर करके रख देती हूँ ताकि मैं ये सब चीज़ें रख सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बादाम रखा है, तो इन जार्स मैंने वो सारे ड्राई फ्रूट्स रखे जो कि मुझे सिर्फ गार्निशिंग में काम आता है, जैसे मैं कभी खीरनी, फिरनी वगैरह बनाती हूँ, तो ये थोड़े थोड़े नट्स मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस जार्स में रखे रख दिए। और बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा नट्स हैं ना, तो पीछे मैंने रखा है, तो यहाँ पे मैंने रखे हैं ये पीछे बादाम के पैकेट, एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बादाम के पैकेट जमा हो गए, क्योंकि जब भी सिंधीज़ में किसी की भी शादी होती है ना, तो वो कार्ड के साथ तो ये मैंडेटरी होता है बादाम का पैकेट देना, तो इसकी वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा बादाम के पैकेट जमा हो गए। तो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स कभी इधर उधर से गिफ्टिंग में मिलते हैं, बच्चे यूज़ नहीं करते, खाते नहीं है, तो मैं एक्चुअली यूज़ कर लेती हूँ किसी और को गिफ्ट करने के लिए, तो वो मैंने सारी चीज़ें इस तरफ रख दी है। ये एक डब्बा है, ये एक डेयरी मिल्क का पैकेट है, और पीछे थोड़े से और चॉकलेट्स पड़े, और मैंने थोड़े से कॉफ़ी के पैकेट्स भी रखे हैं। तो ये सेक्शन पूरा डेडिकेटेड है चॉकलेट, कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो इस सेक्शन के जस्ट नीचे सबसे इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट, यहाँ पे दो उन्होंने ऐसे कंपार्टमेंट दिए, ये काफ़ी स्पेशियस है, और ये बस इसकी बात मुझे एक ही अच्छी नहीं लगी कि दोनों ना साथ में खोलते हैं इसको, अगर एक ड्रॉर हम खोलने जाए ना तो दोनों साथ में खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा अमूल चीज़, बटर, और यहाँ पे मैंने रखा है मिल्क मेड, नट्स, केसर रखा है मैंने, ये जैम है, जो भी एक्स्ट्रा डेयरी का सामान है ना वो सारा मैंने इस वाले सेक्शन में रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने टोफू ला के रखा है जो कि मैं कल बनाने वाली हूँ, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि आज मैं बहुत मूड में हूँ हेल्दी खाने के, तो इसलिए मैंने ये ला के यहाँ पे रख दिया है। और मैंने इस तरफ रखे सारे एक्स्ट्रा सीड्स, गरम मसाले, जैसे यहाँ पे चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, जो भी मुझे ब्रेकफास्ट में काम आते हैं, जो भी हेल्दी स्टफ़ मैं यूज़ करती हूँ अपने कुकिंग में, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीड्स मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि ये सीड्स ना नॉर्मली ओवर प्राइस्ड होती है सारी जगह, तो जब भी मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और यहाँ पे है थोड़े से गरम मसाले, एक्स्ट्रा ब्लैक पेपर, जीरा वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा गरम मसाले वो सारे मैंने एक डब्बे में रख दिए हैं।
तो ये पूरा सेक्शन है डेडिकेटेड फॉर सीड्स एंड नट्स, एंड यहाँ पे मैंने सारे डेयरी आइटम्स रखे हैं। तो मैंने जो ये दो कंपार्टमेंट्स आपको दिखाए उसमें मैंने रखा है डेयरी प्रोडक्ट्स और सारे सीड्स जो मैंने आपको दिखाए, पर नॉर्मली ये यहाँ पे लिखा है कि आप इसमें स्टोर कर सकते हैं सी फूड एंड मीट, तो वो सब चीज़ें तो मैं नॉर्मली नीचे फ्रीज़र में रखती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने सी फूड और मीट नहीं रखा है। वैसे सी फूड तो मैं खाती नहीं हूँ, पर अगर मैं एक्स्ट्रा चिकन ले भी आती हूँ ना तो मैं फ्रीज़र में डालना पसंद करती हूँ। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेन काउंटर है जो कि है फ्रेश वेजिटेबल्स का, एंड ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस फ्रिज का, ये काफ़ी बड़ा है। नॉर्मली पहले वाले फ्रिज में अगर मैं इतनी सब्जियाँ रखती तो मेरी फ्रिज ही भर जाती थी, तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे जगह ही नहीं मिलती थी। तो ये है मेन कंपार्टमेंट जहाँ पे आते हैं सारे फ्रेश वेजिटेबल्स। तो इस बास्केट में मैंने रखा है कुछ सैलेड का सामान, कुछ कैप्सिकम्स, इस टोकरी में मैंने रखा है ये टोमेटोस, यहाँ पे मैंने रखा है धनिया जो कि मैंने इस बास्केट में डाल के रखा है ताकि फ्रेश रहे काफ़ी समय तक, और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस कुछ काट के रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं काट के रखती हूँ जो कि मैं तुरंत आज या कल यूज़ करने वाली हूँ, तो नॉर्मली मैं वेजिटेबल्स को कट करके नहीं रखती हूँ। एंड इसके जस्ट सामने मैंने बीट बॉयल करके रखा है और ये कुछ एक्स्ट्रा लहसुन छील के रखी जो कि कभी भी हमको काम आ जाते शूट में या नॉर्मली कुकिंग में भी। इसके सामने मैंने एक और बास्केट रखा है भिंडी का, और इधर है पत्ता गोभी, इधर है फूल गोभी, और ये मेरा फेवरेट बैंगन, और मैंने एक और छोटा सा पैकेट है बास्केट जिसमें मैंने कि मिर्ची और नींबू डाल के रखा है। तो ये सारे बेसिक वेजिटेबल्स हैं जो मुझे इस हफ्ते यूज़ करना है इसलिए मैंने ला के रखा है, एंड पालक मेथी वगैरह जब मुझे यूज़ करना होता है मैं तभी खरीदती हूँ। तो चलिए मैं आपको नीचे वाला सेक्शन दिखाती हूँ जो कि है फ्रीज़र। तो इसके ऊपर वाले सेक्शन में ये है आइस, यहाँ से आप आइस निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं आइस। अरे निकल रहा नहीं, मुझे पता था जब मैं को आपको दिखाऊंगी ना तो ये आइस निकलेगी नहीं, क्योंकि इसमें ना एक्स्ट्रा पानी चला गया है, वो आइस और ट्रे ना चिपक गई है, तो यहाँ पे नीचे से आइस ट्रे निकलती है। और यहाँ पे मैंने जमा के रखे कुछ एक्स्ट्रा आइस ट्रेस बिकॉज हमारे घर में पार्टीज़ बहुत होती है तो हमको आइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा मैंने दो ट्रेस में आइस जमा के रखी है। पीछे मैंने रखा है ये एक्स्ट्रा आमरस क्योंकि 1 पे 1 फ्री मिला था, तो एक मैंने ऊपर रखा है खाने के लिए और एक मैंने रखा है फ्रीज़ करके कभी ज़रूरत पड़ी आमरस के लिए या मैंगो जूस के लिए। फिर मैंने यहाँ पे रखा है एक्स्ट्रा ये मिल्क मेड, यहाँ पे मैंने रखा है पनीर, और यहाँ पे मैंने कुछ छोटे से आइसक्रीम के पैक्स रखे हैं, और पीछे मैंने इन छोटे छोटे डब्बों में रखा है इमली चटनी। तो जैसे डिप्स वगैरह चटनी जो कि एक्स्ट्रा शूट में बच जाती है मतलब, तो उसको मैं ना सारा फ्रीज़ करके रख देती हूँ और वो अच्छे रहते हैं, जैसे कि हमस हो गया या फिर शेजवान चटनी हो गई, शेजवान लहसुन चटनी हो गई, वो सब चीज़ें मैं छोटे छोटे डब्बों में डाल के रख देती हूँ। और एक डब्बे में है इमली चटनी, और इस डब्बे में मैंने रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं वो आइसक्रीम का डब्बा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डब्बा है जिसमें मैंने एक और चटनी डाल के रखी है, और इधर है कुछ फ्रोज़न मटर, एंड यहाँ पे पड़े हैं फ्रोज़न कॉर्न्स। तो ये पूरा सेक्शन इस तरफ कंप्लीट हो जाता है, और इसके नीचे एक और छोटा सा कंपार्टमेंट है, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ना वो है मेरे बच्चों का फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने रखा है उनका फेवरेट फ्रोजन स्टफ, जैसे एक्स्ट्रा टाटर पफ्स हैं, नगेट्स हैं, चिकन कबाब्स हैं, जो कि एक्स्ट्रा फ्रोजन आइटम्स है ना, फ्रेंच फ्राइज, हालांकि मैं सब चीज़ें घर पर बनाती हूँ लेकिन कभी कभी बच्चों का मन होता है ना मॉल जाते हैं तो फ्रोजन सामान ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस काउंटर में रखी है। और उसके अलावा इसमें पड़ी है एक एक्स्ट्रा और चटनी, थोड़े से मटर और रखे हैं, यहाँ पे मैंने रखा है ये नारियल जो कि एक्स्ट्रा नारियल है, कभी ऐसे लग जाता है तो चटनी वगैरह बनाने में मैं तुरंत यूज़ कर सकती हूँ। और साइड में मैंने रखा ये बड़ा सा पैकेट मोज़रेला चीज़ का। तो ये पूरा सेक्शन कंप्लीट। और हाँ हाँ मैं आपको बताना भूल गई, इसके नीचे मैंने रखा ये चिकन, तो मैंने आपको बताया कि मैं ऊपर नहीं रखती हूँ नीचे फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो ये फ्रेश चिकन है जो कि मैं कल यूज़ करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ला के भी फ्रीज़ कर दिया, मैं सुबह निकाल के इसको यूज़ कर लूँगी। तो इससे मेरा कंप्लीट होता है ये नीचे वाला सेक्शन, और इसे मैं बंद करती हूँ तो ये मेरा फ्रीज़र भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का मेरा फ्रिज टूर मुझे बताइए कमेंट करके, और हाँ ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे पर्सनली फ्रिज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत स्पेशियस था, एंड इसका जो कॉन्सेप्ट था ना ऊपर फ्रिज है नीचे फ्रीज़र, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान रखने की ज़रूरत पड़ती है मेरे शूट में, कटिंग करके रखती हूँ, एक्स्ट्रा डिप्स लेके रखती हूँ, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स लेके रखती हूँ, इसलिए मैंने बड़ा फ्रिज लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी फैमिली भी बड़ी है और आपको ऐसे स्पेशियस फ्रिज की ज़रूरत है तो आप इस टाइप के फ्रिज में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कोई टिप है जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं या फिर ऑडियंस को बताना चाहते हैं ताकि दूसरों को भी मदद मिले तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उसको मैं पिन कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं होम टूर भी करूँ तो इस वीडियो को एटलीस्ट 10,000 लाइक्स पहुँचाइए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।